व्हाट्सअप गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई एम सुधीर एंड यू नो दैट कि हम एक एक टॉपिक लेकर आते रहते हैं और करंट अफेयर्स में मेरा आता रहता है। बीच बीच में डेली तक करंट अफेयर्स आता है और बीच बीच में मैं एक टॉपिक लेकर आता रहता हूँ करंट के थ्रू। तो अभी करेंटली ये रिसेंटली अभी कल का न्यूज आप लोग जान रहे होंगे कि हमारे देश में फ्रांस से फाइव राफेल जेट विमान जो कि भारत में लाई गई है और ये बहुत ही बड़ी कामयाबी बोल सकते हैं हमारे भारत के लिए और इंडियन एयरफोर्स के लिए। तो अपने आप में भी कंग्रेचुलेशन करना चाहिए कि हमें इतनी बड़ी काफ़ी काबिलियत यानी खुशी महसूस कर सकते हैं हम। तो चलते हैं राफेलों के बारे में, देखते हैं क्या है और इसका स्कीम क्या है और कैसे ये लाया गया और इसके पीछे राज क्या है। ये चीज़ें हम आइए आज डिस्कस करते हैं और देखते हैं क्या कुछ इंफॉर्मेशन हमें मिल सकती है इसके बारे में। तो आइए देखते हैं, चलते हैं, लेक्चर स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू स्टडी मिशन, आई होप ऑल ऑफ यू वेल। सो आई एम सुधीर। तो चलते हैं और देखते हैं, यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन दिया गया है कुछ, आप देख सकते हैं यहाँ पे, यू कैन सी दैट कि इसको इंट्रोड्यूस किया गया 2001 में। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसको जो इंट्रोड्यूस किया गया था ये 2001 में किया गया था, 2001 में। और जो राफेल होती है या प्रोड्यूस की जाती है, द राफेल इज बींग प्रोड्यूस्ड बोथ द फ्रांस एयरफोर्स फॉर कैरिज बेस्ड ऑपरेशन इन द फ्रांस नेवी। देखिए ये फ्रांस एयरफोर्स और कैरी करती है बेस, कैरी एक कैरी करने के बेस भी होता है ये ऑपरेशन इन फ्रांस और नेवी में। फ्रांस नेवी में एक कैरी भी करती है, नेवी में ट्रांसपोर्ट का भी काम करती है फ्रांस में। द राफेल हैज बीन मार्केट फॉर एक्सपोर्ट टू सर्वियल कंट्रीज, या एक्सपोर्ट भी की जाती है राफेल मार्केट के तरफ से, मार्केटिंग बोल सकते हैं इसको, मार्केटिंग राफेल जो कि फ्रांस के लिए माना जाता है। फ्रांस ने इसको एक्सपोर्ट भी करता है दूसरी कंट्री में, जैसे कि हमारी कंट्री में आया अभी। एंड वाज सेलेक्टेड फॉर द परचेस बाय द इंडियन एयरफोर्स, यह सेलेक्टेड किया गया था इंडियन एयरफोर्स के द्वारा कि मैं मुझे लेना है। द इजिप्टियन एयरफोर्स एंड द क्वेटियर एयरफोर्स, ये दो एयरफोर्स होती हैं, इजिप्टियन एयरफोर्स एंड क्वेटियर एयरफोर्स। प्रोग्राम कॉस्ट, इसका प्रोग्राम कॉस्ट कितना था, तो 45.9 बिलियन इसका प्रोग्राम क्या, इसका प्रोग्राम कॉस्ट था 2013 के अनुसार। और ये 2.62.7 बिलियन बोल सकते हैं ये US के डॉलर में। फर्स्ट फाइटर थी राफेल एडेमो 4 जुलाई 1986 को, 4 जुलाई 1986 को इसका फर्स्ट फाइट किया गया राफेल को लेके। राफेल थे राफेल सी 19 मई 1991, ठीक है। ये राफेल को फर्स्ट ट्रायल किया गया, आप देख सकते हैं 4 जुलाई 1986 को। इसका मैन्युफैक्चरिंग दासलुट एविनेशन जो है इसके मैन्युफैक्चरर हैं, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग। और देखिए यार, कल का न्यूज है ये, तो न्यूज पेपर से लिया गया है ये चीज़ें, न्यू दिल्ली, आप देख सकते हैं न्यूज पेपर न्यू दिल्ली का। द फाइव राफेल कॉम्बैट जेट्स दैट विल अराइव एट द अम्बाला एयर स्टेशन पे ये अराइव किया गया, इसको लैंड किया गया वेडनेसडे को, जो कि आफ्टर फ्लाइंग अबाउट 7000 किलोमीटर फ्रांस, ये 7000 किलोमीटर फ्रांस से अभी ये उड़ान भरा गया था और ये लेकर आया गया। एट द फर्स्ट फॉरेन इंडक्शन बाय द इंडियन एयरफोर्स IAF इन 23 years इनटू इट्स माइंड बोगलिंग इन्वेंटरी फॉर
ऑफ फाइटर्स। तो देखिए ये 23 years माइंड बोंगलिंग इन्वेशन ऑफ द फाइटर्स था, ये इंडियन एयरफोर्स के द्वारा सेलेक्ट कर दिया गया। तो पहले ही ये बात कही जा रही है यहाँ पे, तो ये फॉरेन इंडस्ट्रक्शन के पहला फॉरेन फ्रांस से पहला इंडस्ट्रक्शन था जो कि इंडियन एयरफोर्स के द्वारा ये किया गया। नो दैट द 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट द राफेल इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द फाइनेस्ट फर्स्ट इन द वर्ल्ड एंड इट्स डिस्क्राइब्ड एंड द ऑर्निमेलियल एयरक्राफ्ट दैट द कैन टेक द सर्वाइवल मिशन एंड द सिंगल फाइटर। देखिए ये जो 4.5 जनरेशन है जो अभी एयरक्राफ्ट राफेल, ये 4.5 जनरेशन जो है पाकिस्तान के पास है अभी, ये 4.5 जनरेशन इसके बारे में भी आप जानकारी रख सकते हैं कि ये पाकिस्तान के पास अभी 4.5 जनरेशन है, लेकिन उससे ज़्यादा बड़ा लार्ज तरीके पर और उससे ज़्यादा पावर वाला कह सकते हैं अभी मेरा ये जो राफेल आया है ये है। तो इसको कंपेरिजन किया जा रहा है कि अभी 4.5 जनरेशन है लेकिन ये फिफ्थ जनरेशन है मेरा, तो इसको कंपेरिजन किया जा रहा है कि कोई भी टक्कर नहीं देने वाला है अभी इंडिया के साथ उतना जल्दी, पाकिस्तान हो या चाइना हो। तो देखते हैं विथ इट्स एवेक्यूशन रडार्स एंड वेपन सिस्टम द राफेल इज द मोस्ट पायलट एयरक्राफ्ट इन साउथ एशियन मच अहेड ऑफ द F-16 एस दैट पाकिस्तान यूज आर इवन द J-20 द फिफ्थ जनरेशन स्टेल्थ एयरक्राफ्ट ऑफ चाइना विच इज 8-6 कम्बोर्ड। देखिए बोला गया है, मैं पहले ही बोला था कि पाकिस्तान के पास जो था है अभी J-20 और F-16 और पीछे में बताया था ये 4.5 जनरेशन का था, ये है F-20 और ये F-16 जो कि पाकिस्तान के पास है। तो उसे बोला जा रहा है कि उससे ज़्यादा दोगुना हमारा ताकतवर जो दोगुना पावरफुल है हमारा जो अभी फाइटर जेट आया राफेल फ्रांस से, तो ये बात कही जा रही है। और फिफ्थ जनरेशन का जो अभी साउथ एशियन साउथ अफ्रीकन जो चाइना के पास है उससे अभी कंपेरिजन करना है हमको, उससे टेकल करना है अभी, ये बात कही जा रही है। पीएम मोदी स्ट्रक डील फॉर 36 राफेल, हमारे प्राइम मिनिस्टर जी मोदी जी हमारे अभी 36 राफेल के बात किए डील की बात किए थे, लेकिन अभी जो उनके दासल्ट अविंसन है जो दासल्ट अविंसन जो कि ये मैन्युफैक्चर राफेल करते हैं राफेल किए थे मैन्युफैक्चरिंग राफेल का मैन्युफैक्चरिंग किए थे ये, तो शॉर्टेस्ट द लोवेस्ट बैटर आफ्टर द हैविंग क्लियर्ड आल टेक्निकल रिक्वायरमेंट अलॉन्ग विद द यूरोफाइटर टाइफोन द नेग्रोटेम्स वेंट नाउवेयर। तो देखिए बोला जा रहा है कि अभी जो ये मैन्युफैक्चरिंग किए थे राफेल को दसल्ट एविएशन, तो ये बोल रहे हैं कि अभी रिक्वायरमेंट था इनके पास टेक्निकल का, तो टेक्निकल का रिक्वायरमेंट था उसके जरिए, और ये 36 राफेल का बात की जा रही थी प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, ठीक है ये ध्यान रखिएगा द एयरफोर्स, लेकिन अभी 5 ही आया है, अभी 5 मेरे पास आया है, 36 आएगा लेकिन अभी 5 आया है 36 में से, तो आप समझ सकते हैं ये चीज़ें, और ये समझ सकते हैं जीके का नॉलेज आ सकता है जीके का ये क्वेश्चन कि मैन्युफैक्चरिंग कौन किया था राफेल को, तो ये दसल्ट एविएशन ने किए थे दसल्ट एविएशन, ठीक है इसके बारे में जानकारी रखेगा। देखिए एयरफोर्स में अगर बता दें एयरफोर्स के बारे में थोड़ा, तो द इंडियन एयरफोर्स वाज एस्टेब्लिश्ड ऑन 8 अक्टूबर 1932, 8 अक्टूबर 1932 को इंडियन एयरफोर्स का स्थापना हुआ, और ये 8 अक्टूबर को हर साल स्थापना दिवस के रूप में मनाया भी जाता है और इंडियन एयरफोर्स में सेलिब्रेट किया जाता है एवरी डे फोर्स डे के रूप में 8 अक्टूबर को। और इंडियन एयरफोर्स का जो ऑर्गेनाइज्ड ग्रैंड ये जो होते हैं एयर शो कराता है और इसमें PTOT कराता है बिफोर इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता दिवस के पहले ही पहले का बात की जा रही है कि स्वतंत्र जब नहीं हुआ था मेरा देश तो इंडियन एयरफोर्स को RIF बोला जाता था, रॉयल इंडियन एयरफोर्स बोला जाता था पहले, जब स्वतंत्र हो गया जब हम आज़ाद हो गए फ्रीडम हो गया तो IAF हो गया, ये रॉयल हटा दिया गया, ठीक है।
तो चलते हैं। और ये ध्यान दीजिएगा कि ये रोल कब हटाया गया, तो जब हम स्वतंत्र हो गए, ठीक है। तो 5-1 में फाइव विंग्स कमांडर जो थे ये लीगर फ्रांस से लेकर आए थे हमारे राफेल को, 7000 किलोमीटर अवे किए थे ये। और उनमें से 3 नाम मैं रखा हूँ यहाँ पे, और 2 नाम मैं नहीं रख पाया क्योंकि वो नाम हमें फाउंड नहीं कर पाया मैं, लेकिन 3 नाम मैं फाउंड कर पाया तो उसको मैं बता दे रहा हूँ। और 2 नाम आप लोग सर्च करके बताइएगा, कमेंट करिएगा। तो ये देखें, मनीष सिंह हैं और अभिषेक त्रिपाठी हैं और हलाली अहमद राठौर हैं जो कि, तो ये 3 नाम हैं। ये बलिया से हैं, मनीष सिंह जो कि यूपी बलिया से हैं, और ये अभिषेक त्रिपाठी हैं, अभिषेक त्रिपाठी जो कि हरदोई ज़िला से आए हैं, ये हरदोई ज़िला से है, और हलाली अहमद राठौर जो जम्मू कश्मीर से हैं। तो तीनों पर्सनालिटी के बारे में, तीनों विंग कमांडर के बारे में आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं इतना सा। और राफेल लैंड करे कहाँ कर रही है, तो अम्बेला एयरबेस पे कर रही है। तो इतना कुछ जानकारी आपको मिली, आशा करता हूँ कि आप इन्जॉय किए होंगे और सब कुछ जान गए होंगे यहाँ से। और कोई भी डाउट आपके पास नहीं होगा ऐसा कि कहीं भी आपको डाउट हो, तो आशा करता हूँ कि आप लोग इन्जॉय भी किए होंगे और नॉलेज भी लिए होंगे। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग। जय हिंद।